Before watching, please subscribe to Sukam's YouTube channel. Sukam Falcon Plus Plus Pure Sine Wave Home UPS 1112 Volt. इस वीडियो में हम Falcon Plus Plus के फ्रंट पैनल पे प्रोवाइडेड LCD डिस्प्ले के डिस्प्ले फीचर्स को समझेंगे। अब जैसे ही सिस्टम बैटरी से कनेक्ट होगी, आप Sukam वेलकम्स यू का मैसेज देख सकते हैं। उसके बाद मॉडल नंबर डिटेल्स, उसके बाद सिस्टम के सॉफ्टवेयर डिस्क्रिप्शन और उसके बाद सारे पैरामीटर्स एक एक करके डिस्प्ले पे शो होंगे। Falcon Plus Plus के साथ आप 18 एज से लेकर 200 एज तक की बैटरी कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने 120 एज की बैटरी सिस्टम के साथ कनेक्ट कर रखी है और इस बैटरी को चार्ज करने के लिए 10 एम्पियर चार्जिंग करंट की जरूरत है, जो हम सिस्टम के बैक पैनल पे डिप स्विच की मदद से सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये Falcon Plus Plus का बैक पैनल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिप स्विच प्रोवाइडेड है। डिप स्विच नंबर 1, 2 और 3 से आप चार्जिंग करंट सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप स्विच नंबर 3 को लेफ्ट पे करेंगे तो आप 10 एम्पियर चार्जिंग करंट सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, करंट सिलेक्शन 10 एम्पियर शो हो रहा है और बैटरी कैपेसिटी 100 से लेके 135 एएच शो हो रहा है। Falcon Plus Plus के साथ आप LA या ट्यूबुलर टाइप के बैटरीज कनेक्ट कर सकते हैं। इसकी सिलेक्शन करने के लिए आप सिस्टम के बैक पैनल पे प्रोवाइडेड डिप स्विच की मदद ले सकते हैं। अब बैटरी टाइप चूज करने के लिए हम डिप स्विच के स्विच नंबर 5 को LA की तरफ करेंगे। तो डिस्प्ले पे LA बैटरी टाइप शो होगा और बूस्ट वोल्टेज 14 वोल्ट प्लस माइनस 0.2 वोल्ट सिलेक्ट हो जाएगा। अब जैसे ही हम डिप स्विच नंबर 5 को ट्यूबुलर की तरफ करेंगे तो डिस्प्ले पे ट्यूबुलर बैटरी टाइप शो होगा और बूस्ट वोल्टेज 14.4 प्लस माइनस 0.2 वोल्ट ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। अगला डिस्प्ले पैरामीटर है बैटरी लेवल परसेंटेज, जो कि करंटली 100% शो हो रहा है, जिसका मतलब यह है कि सिस्टम से कनेक्टेड बैटरी 100% चार्ज्ड है। और जैसे ही बैटरी डिस्चार्ज होगी, बैटरी लेवल परसेंटेज कम होता रहेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, बैटरी डिस्चार्ज होकर 61% पे आ चुकी है। अगला पैरामीटर है बैकअप टाइम। सिस्टम से कनेक्टेड बैटरी से आपको कितने घंटे का बैकअप मिलेगा, ये आप सिस्टम के डिस्प्ले पे देख सकते हैं। इसे देखने के लिए हमने सिस्टम के साथ एक 100 वॉट का लोड कनेक्ट कर रखा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, 100 वॉट लोड पे बैकअप टाइम 11 आवर्स 39 मिनट्स शो हो रहा है। अब हम 200 वॉट लोड पे बैकअप टाइम देखेंगे, जिसके लिए हम 200 वॉट का बल्ब सिस्टम के साथ कनेक्ट करेंगे। बैकअप टाइम देखने के लिए हमने सिस्टम के साथ 200 वॉट का बल्ब कनेक्ट कर रखा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, बैकअप टाइम 4 आवर्स 23 मिनट्स शो हो रहा है। तो इस तरह से हम अपने सिस्टम से कनेक्टेड बैटरी का बैकअप टाइम सिस्टम के डिस्प्ले पे देख सकते हैं, अलग अलग लोड पे। अब हम बात करते हैं Sukam Falcon Plus Plus के एक और फीचर के बारे में, जो कि है लो वोल्टेज डिस्कनेक्ट। Falcon Plus Plus में 2 लो वोल्टेज डिस्कनेक्ट के ऑप्शन हैं, जो कि कस्टमर अपने बैकअप नीड के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। आप दोनों लो वोल्टेज डिस्कनेक्ट सिस्टम के बैक पैनल पे प्रोवाइडेड डिप स्विच की मदद से सेलेक्ट कर सकते हैं। पहला लो वोल्टेज डिस्कनेक्ट है 11 वोल्ट, जो कस्टमर्स उन एरियाज में रहते हैं जहां पे फ्रीक्वेंट पावर कट्स की प्रॉब्लम है, वो 11 वोल्ट पे लो वोल्टेज डिस्कनेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। 11 वोल्ट लो वोल्टेज डिस्कनेक्ट सेलेक्ट करने के लिए हम जैसे ही स्विच नंबर 4 को राइट पे करेंगे तो डिस्प्ले पे 11 वोल्ट लो बैटरी डिस्कनेक्ट शो होगा और जैसे ही बैटरी 11 वोल्ट से नीचे आएगी तो सिस्टम लो बैटरी की वजह से परमानेंटली शटडाउन हो जाएगा। दूसरा लो वोल्टेज डिस्कनेक्ट है 10.5 वोल्ट, जो कस्टमर्स उन एरियाज में रहते हैं जहां पे फ्रीक्वेंट पावर कट्स की प्रॉब्लम नहीं है, वो 10.5 वोल्ट लो वोल्टेज डिस्कनेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। 10.5 वोल्ट लो वोल्टेज डिस्कनेक्ट सेलेक्ट करने के लिए हम डिप स्विच नंबर 4 को जैसे ही लेफ्ट पे करेंगे तो बैटरी लो 10.5 वोल्ट शो हो रहा है। अगला पैरामीटर है मेन स्टेटस फेल। जब सिस्टम से मेन्स कनेक्टेड ना हो तो सिस्टम के LCD पे मेन स्टेटस फेल मैसेज शो होगा। अब जैसे ही हम सिस्टम के साथ मेन्स कनेक्ट करेंगे
जैसे कि आप देख सकते हैं डिस्प्ले पे मेन स्टेटस ओके शो हो रहा है, जिससे हमें पता लग जाएगा कि सिस्टम के साथ मेन्स कनेक्ट हो चुकी है। फाल्कन प्लस प्लस में दो ऑपरेटिंग रेंजेस प्रोवाइडेड हैं, यूपीएस और वाई यूपीएस मोड, जो आप अपने लोड रिक्वायरमेंट्स के अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं। जिसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं सिस्टम के बैक पैनल पे प्रोवाइडेड डिप स्विच की मदद से। अब जैसे ही हम फाल्कन प्लस प्लस के बैक पैनल पे प्रोवाइडेड डिप स्विच के स्विच नंबर 6 को यूपीएस मोड की तरफ करेंगे, तो यूपीएस मोड डिस्प्ले पे शो होगा। यूपीएस मोड हम जनरली घर में लगे आईटी लोड जैसे कि कंप्यूटर, प्रिंटर एक्सेट्रा के लिए सिलेक्ट करते हैं। अब जैसे ही हम स्विच नंबर 6 को वाइड यूपीएस मोड की तरफ करेंगे, तो डिस्प्ले पे वाइड यूपीएस मोड शो होगा। हम घर में लगे नॉर्मल लोड जैसे कि फैन, लाइट एक्सेट्रा को चलाने के लिए वाइड यूपीएस सिलेक्ट करते हैं। अगला फीचर है ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंपनसेशन। फाल्कन प्लस प्लस के बैक पैनल पे एक एटीसी सेंसर प्रोवाइडेड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक एटीसी सेंसर वायर है जो कि आपके बैटरी के आसपास के टेम्परेचर को सेंस करता है और एफिशिएंटली बूस्ट वोल्टेज को सेट करता है। एटीसी सेंसर के मदद से आपके बैटरीज किसी भी सीजन में ओवरचार्ज या अंडरचार्ज नहीं होती। जैसे कि आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं करंटली एम्बियंट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस दिखाई दे रहा है, जिसके अकॉर्डिंग बूस्ट वोल्टेज 14.48 वोल्ट सेट हो चुका है। एटीसी सेंसर के फंक्शन को टेस्ट करने के लिए हमने यहाँ पे एक ग्लास में गर्म पानी लिया है। अब हम एटीसी के वायर को गर्म पानी में डिप करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं टेम्परेचर बढ़ रहा है और बूस्ट वोल्टेज कम हो रहा है। करंटली आप देख सकते हैं टेम्परेचर 44 डिग्री सेल्सियस दिखाई दे रहा है और बूस्ट वोल्टेज कम होकर 14.21 वोल्ट शो हो रहा है। जैसे कि आपने अभी देखा एटीसी सेंसर की वजह से इन्वर्टर टेम्परेचर के अकॉर्डिंग आपके बैटरीज को एफिशिएंटली चार्ज करता है, यानी कि हाई टेम्परेचर पे ये बूस्ट वोल्टेज को कम सेट करके आपके बैटरीज को ओवरचार्जिंग से प्रोटेक्ट करता है और लो टेम्परेचर्स पे बूस्ट वोल्टेज को हाई सेट करके बैटरीज को अंडर चार्जिंग से प्रोटेक्टेड रखता है। इस फीचर की वजह से आपके बैटरीज की लाइफ बढ़ जाती है। अब हम ओवरलोड की कंडीशन को समझेंगे। सिस्टम का रेटेड लोड 750 वॉट है। अगर फाल्कन प्लस प्लस के साथ हम 750 वॉट से ज्यादा लोड कनेक्ट करेंगे तो सिस्टम ओवरलोड की कंडीशन में चला जाएगा। अब हम फाल्कन प्लस प्लस के साथ 750 से ज्यादा लोड कनेक्ट करेंगे। अभी हमने सिस्टम के साथ 800 वॉट का लोड कनेक्ट कर रखा है। जैसे कि आप देख सकते हैं सिस्टम ओवरलोड की कंडीशन में चला गया है और सिस्टम के डिस्प्ले पे ओवरलोड ग्रेटर देन 100% शो हो रहा है बजर बीप के साथ। सिस्टम को नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए अब हम लोड को कम करेंगे। लोड को कम करने के बाद आप देख सकते हैं सिस्टम नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में आ गया है। अगला प्रोटेक्शन फीचर है शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन फीचर। अगर सिस्टम के आउटपुट पे शॉर्ट सर्किट हो जाए तो सिस्टम शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन में चला जाएगा और सिस्टम के डिस्प्ले पे शॉर्ट सर्किट शटडाउन का मैसेज शो होगा, जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपका सिस्टम शॉर्ट सर्किट में चला गया है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म करने के लिए हम सिस्टम के आउटपुट को शॉर्ट करेंगे। अब हम देखते हैं डिस्प्ले पे क्या शो हो रहा है। जैसे कि आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं शॉर्ट सर्किट शटडाउन का मैसेज शो हो रहा है, जिससे हमें ये पता चलता है कि सिस्टम के आउटपुट पे शॉर्ट सर्किट हो गया है। सिस्टम को नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए हमें सिस्टम के आउटपुट से शॉर्ट सर्किट हटाना होगा और सिस्टम के फ्रंट पैनल पे प्रोवाइडेड पावर एक्टिव स्विच को रीसेट करना होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं बल्ब ऑन हो चुका है और सिस्टम नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में आ गया है। अगला प्रोटेक्शन फीचर है मेंस एमसीबी ट्रिप। जब सिस्टम मेन से कनेक्टेड है और सिस्टम ओवरलोड की कंडीशन में चला जाए तो सिस्टम के बैक पैनल पे प्रोवाइडेड मेंस एमसीबी ट्रिप हो जाती है और सिस्टम के फ्रंट पैनल पे प्रोवाइडेड एलसीडी डिस्प्ले पे आप मेंस एमसीबी ट्रिप का मैसेज देख सकते हैं। अभी सिस्टम मेन से कनेक्टेड है। जैसे कि आप देख सकते हैं डिस्प्ले पे मेन स्टेटस ओके शो हो रहा है।
इससे हमें पता चलता है कि सिस्टम मेन से कनेक्टेड है। इस कंडीशन में अगर सिस्टम ओवरलोड की कंडीशन में चला जाए तो MCB ट्रिप हो जाएगी और डिस्प्ले पे मेन्स MCB ट्रिप का मैसेज शो होगा और उसके नीचे रिकवरी मैसेज शो होगा जिसपे लिखा हुआ है प्लीज ऑन MCB। सिस्टम को नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए हमें मेन्स मोड पे सिस्टम से कनेक्टेड लोड को कम करना होगा और फिर सिस्टम के बैक पैनल पे प्रोवाइडेड मेन्स MCB को ऑन करना होगा और फिर सिस्टम नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा। वी होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू सुकैम्स YouTube चैनल।